नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हर दिन की भांति आज भी मैं कुछ रोचक तथ्यों के साथ एक नई कहानी लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी हमारे दर्शक जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या लेकर के आया हूं। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल। मित्रों, ये बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की ही बात नहीं है, यह जीवन रूपी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो आवास प्रवास देख रहे हैं, यह एक प्रकार का हॉस्टल ही है, जहां हम सबको एक समय के बाद यह हॉस्टल छोड़ना होता है। तो इस हॉस्टल में कैसे रहें, इस कहानी से आज हम सभी जानेंगे। एक हॉस्टल में के कैंटीन में रोज़ रोज़ नाश्ते में खिचड़ी दे देने से परेशान 85 छात्रों ने हॉस्टल वार्डन से शिकायत करी और बदल बदल के नाश्ता देने को कहा। तो आखिर क्या हुआ होगा, नाश्ता देने को कहा, क्या हो सकता है, क्या हॉस्टल वार्डन ने बदल बदल के नाश्ता दिया, क्या हॉस्टल वार्डन ने नाश्ता नहीं दिया? जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। 100 में से सिर्फ 15 छात्र ऐसे थे जिनको खिचड़ी बहुत पसंद थी और वो छात्र चाहते थे कि खिचड़ी तो रोज़ ही बने, बाकी के 85 छात्र परिवर्तन चाहते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ या ना हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और एक निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, वार्डन ने सभी छात्रों से वोट करके नाश्ता तय करने को कहा। उन 15 छात्रों ने जिनको खिचड़ी बहुत पसंद थी, खिचड़ी के लिए वोट किया। बाकी बचे 85 लोगों ने आपस में कोई सामंजस्य नहीं रखा और कोई वार्तालाप भी नहीं किया और अपनी बुद्धि एवं विवेक से अपनी रुचि अनुसार वोट दिया। आखिर वोट में क्या हुआ होगा, वोट कैसे पड़े, जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों 13 बच्चों ने डोसा चुना, 12 ने पराठा चुना, 13 ने रोटी, 12 ने ब्रेड बटर और 11 ने नूडल्स और 12 ने पूरी सब्जी को वोट दिया, 11 ने छोले भटूरे। मित्रों, अब सोचो क्या हुआ होगा उन 85 बच्चों के साथ। 15 बच्चों ने तो खिचड़ी को ही पसंद किया था। उस कैंटीन में आज भी वो 85 छात्र रोज़ खिचड़ी ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 15 छात्र बहुमत में हैं, एकजुट रहे। और उसका परिणाम हुआ कि 85 छात्र जो बटे रहे, उनको उनके अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मित्रों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जब तक हिस्सों में 85% बटे रहेंगे, तब तक 15% वाले का वर्चस्व रहेगा। समाज के लिए एक संदेश है यह कहानी, यही बता रही है कि एक बनो, नेक बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, नहीं तो हमेशा खिचड़ी ऐसे ही खानी पड़ेगी। आपका अपना आर्य सनातनी भाई। मित्रों, आप सभी से निवेदन करता है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। संघ ही शक्ति कलियुगौ, संघ में ही शक्ति है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।